जय हिंद प्यारे साथियों, एक बार फिर से हम नंबर सिस्टम टॉपिक लेकर आए हैं और इसमें 11 सा क्वेश्चंस देखेंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। और आज जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट पढ़ा रहे हैं, कोई फॉर्मूला से नहीं पढ़ा रहे हैं, बस आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई विदाउट फॉर्मूला का बस थोड़ा सा इधर उधर करके माइनस करके कैसे अपना नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालोगे। जैसे देखिए आपका जो है ये जो है 11 जो है 11 लगभग जो है 11 के निकटतम परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, 11 के निकटतम परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। क्या होता है? 9 होता है। क्लियर? यानी या तो आप ये देखो कि 9 होता है तो 9 में कितना प्लस माइनस करना है, 11 हो जाएगा तो 9 में प्लस 2 कर देना, 9 में प्लस 2 कर देना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखना है क्या, अब 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। यहाँ प्लस किए हैं तो प्लस लिखेंगे, माइनस किए हैं तो माइनस किए हैं, और ऊपर में क्या लिखना है, 2 बटा इसी का दोगुना करना है, इसी का दोगुना करना है, याद रखना है यहाँ जो है ना उसका दोगुना करना है। 3 का दोगुना कितना हो जाएगा, 3 का दोगुना 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कि ये 2 का 2 3 गुना 6, अब 1 में 3 से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, 0.33 हो जाएगा। तो 3 में अगर 3 में हम 0.33 जोड़ेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 3.33 आंसर हो जाएगा। और इस तरह से आपका आंसर हो गया ए, आपका आंसर हो गया ए। और अब देखो कि आप इसको दूसरे तरीके से सीख सकते हो, दूसरे तरीके से ऐसे सीखोगे कि 11 जो है ये लगभग स्क्वायर रूट किसका है, स्क्वायर रूट किसका है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 9 में प्लस 2 कर देंगे तो 11 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करना, इसका दोगुना 3 का दोगुना से भागा देंगे, 3 का दोगुना 6 होता है। अब बताइए 2 में अगर 6 से भाग देंगे तो 0.33 हो जाएगा, और 3 में 0.33 जोड़ेंगे तो 3.33 के आसपास होगा, और आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा ए नंबर। तो चलिए एक और क्वेश्चन से आपको हम करवा के दिखाते हैं, और अगर क्वेश्चन अच्छा लगे तो जरूर नीचे कमेंट कीजिएगा अपना आंसर। आप चाहे तो क्वेश्चंस का पहले आंसर दे दीजिए और फिर जाकर के वीडियो को मैच करवाइए कि हमारा आंसर आपका आंसर मैच करता है कि नहीं करता है। अब देखिए 117 है, 117 लगभग किसका स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट है। अब कहेंगे कि भाई देखिए 11 का स्क्वायर रूट 121 होता है, 11 का 121 होता है, लेकिन माइनस 4 करेंगे तब जाकर के 117 होता है, 11 का 121 होता है, माइनस 4 करेंगे तो 117 हो जाएगा। और नीचे हम बोले थे 11 का दुगुना देना है, 11 का दुगुना कितना दे देंगे, 22। अब देखो ये 2 गुना 4 हो गया, 11 गुना 22 हो गया। अब 2 में 11 से भागा दोगे तो पॉइंट, एक बार में लगा 11 बच गया 9, 11 18 88। अब 11 में से 0.18 जाएगा तो 10 पॉइंट कितना हो जाएगा, 82 हो जाएगा। 10.82 के आसपास क्या है, 10.82 के आसपास क्या है, 10.83 है। ये आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा बी। तो अगर नॉट परफेक्ट स्क्वायर रूट सीखे हैं तो जरूर सेशन को शेयर कर दीजिएगा, अपने लिए लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट ट्रिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।